हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससीटी सुपर 20। देखिए, रेलवे का साइको टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आज आपका लाइव रहेगा। इसमें आप क्लासिफिकेशन टेस्ट बोलते हैं इसको, तो यहाँ पे आपको जो दिखाया जाएगा, इस परीक्षण में 5 चित्र या आकृतियाँ दी जाएंगी। इसमें से 4 किसी न किसी प्रकार से एक समान रहते हैं और एक आकृति इन चारों से भिन्न होगी, डिफरेंट होगी। तो जो आपका डिफरेंट डायग्राम होगा उसी को आपको टिक करना है। 4 जो डायग्राम होंगे एक तरह से होंगे और आपका जो चौथा डायग्राम होगा वो कुछ अलग होगा, ठीक है। तो आप लोग लाइव आ जाइए। तो जब तक सभी लोग आ रहे हैं तब तक आपको कुछ डाउट हो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ लोगों का ये डाउट था कि सर पेन या पेंसिल वहाँ पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, मेमोरी टेस्ट के लिए तो पेन या पेंसिल नहीं मिलेगा। अगर पेन या पेंसिल मिलेगा तो वो मेमोरी टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अभी तक जो टेस्ट हुए हैं आपके, उसमें पेन और पेंसिल मेमोरी टेस्ट के लिए नहीं मिले हैं। बाकी जो टेस्ट होते हैं उसके लिए मिलते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको वहाँ पे पेन या पेंसिल ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, लोगों का डाउट है कि अगर सर ALP का साइको या मेडिका में बाहर होते हैं तो क्या टेक्नीशियन की पोस्ट मिलेगी। तो इसका जवाब ये है कि आपका अभी जो एग्ज़ाम हुआ इसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद आपका जो होगा साइको होगा पहले और उसके बाद मेडिकल होगा। साइको मेडिकल होने के बाद ऑल ओवर टेक्नीशियन का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो जिन्होंने टेक्नीशियन पहले भरा, ALP बाद में भरा है, उनका भी साइको होगा, ठीक है। जैसे कुछ डिग्री डिप्लोमा वाले हैं, उन्होंने टेक्नीशियन को पहले डाल दिया SNT को, और ALP बाद में डाला, तो उनका भी साइको होगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद ओवरऑल कट ऑफ लास्ट में आएगी। अब देखिए, आपको टेस्ट कैसे देना है। इस हर पर्सन के लिए आपको मात्र 10 सेकंड मिलेगा, उतने ही समय में आपको तुरंत कमेंट करना है आपका आंसर, ठीक है। और फिर स्क्रीन पर आपको सही उत्तर दिखाया जाएगा, उससे आप मैच करा के अपना आंसर मिला सकते हैं। तो शुरू करते हैं टेस्ट को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब इसमें 4 डायग्राम एक जैसे हैं, एक जो अलग होगा, तो कौन सा अलग है ABCD में से, आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा गलत है। तो कमेंट में बताइए कौन सा आंसर गलत है इसमें। तो 10 सेकंड हो गए, आपका सही आंसर जो है डी में। देखिए, यहाँ पे सब में 4 सर्किल हैं छोटे छोटे, डी में आपका केवल 3 सर्किल हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट आपका AFDZN, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, तीसरे का जो सही आंसर होगा आपका बी। बाकी 4 एक जैसे हैं आपके, डायमीटर हैं, और बी में कॉर्ड टाइप का बना है, तो बी में जीवा बना है, बाकी सब में व्यास बना है। चौथे का आंसर क्या होगा, चौथे का बताइए। आपका चौथे का जो आंसर है आपका ई। देखिए, बाकी सब में जितने गोले बाहर हैं उतने गोले त्रिभुज के अंदर भी हैं, लेकिन डी में आपका 2 बाहर और 1 त्रिभुज के अंदर है, तो सॉरी ई, तो ई आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। फिफ्थ का सही आंसर होगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिक्स्थ। ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। सिक्स्थ का सही आंसर है डी। सेवन, सेवन का सही आंसर आपका डी। बाकी सब में साइड में है, लेकिन डी में आपका सेंटर पे है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8th क्वेश्चन, एट का आंसर आपका ई। 9th क्वेश्चन, देखते हैं 9th क्वेश्चन कितने लोगों का सही रहता है। 9th क्वेश्चन चैलेंजिंग क्वेश्चन है। नाइन्थ का जो आंसर होगा आपका सी। टेंथ क्वेश्चन, टेंथ का आंसर आपका डी। नेक्स्ट आपका 11th, का आंसर आपका सी। 12th, 12th का आंसर आपका सी। 13th, ठीक है, आंसर इसमें आपको जल्दी जल्दी करना है, बाकी इतना ज़्यादा टफ नहीं है जितना मेमोरी वेस्ट टेस्ट होते हैं। तो इसमें केवल आपका टाइमिंग मैटर करता है, आप कितना फास्ट देख के जो है इसको आंसर करते हैं। इसका आंसर है ई, 14th। का आंसर आपका है सी। 15th, 15th का आंसर आपका है डी। नेक्स्ट है 16th, 16th का आंसर आपका आई थिंक बी। देखिए बाकी सब में मिरर इमेज जो है वो आपका चेंज हो रहा है, लेकिन एम को आप जो है एम को कैसे भी करके आप मिरर इमेज लोगे, उसकी प्रतिबिंब लोगे, तो वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा पहले था, तो इसीलिए जो आप बी को अलग रखा गया। अगला क्वेश्चन आपका 17, का आंसर आपका सी। 18, 18 का आंसर होगा आपका सी। 19, 19 का आंसर होगा आपका ई। 20, 20 बताइए जल्दी, 20। हाँ, 20 का जो आंसर आपका वो सी है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21, 21 में बाकी सब तो प्रतिबिंब बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन आई थिंक बी जो है आपका वो वाटर इमेज बन रहा है, जल प्रतिबिंब बन रहा है, इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो बी है। 22 का बताइए, 22 इसका होगा आपका ये ए होना चाहिए, इसका आपका ए है, ठीक है, बाकी सबका सेम ऐसे उसके अंदर एक साइड से लगा हुआ उसी तरह का जो है प्रतिबिंब वो डायग्राम बन रहा है, लेकिन ए में जो है आपका दो दो चार दो छः साइड है, और अंदर इसके जो इमेज बन रहा है उसमें पांच ही साइड है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 23, अच्छा क्वेश्चन, 23 बताइए,
देखते हैं 23 आपका ई है, ठीक है, 23 का आंसर ई है। 24 का लगभग बता दिया होगा सभी ने सी आंसर। 25 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बताइए 25, देखते हैं 25 कितने लोग बता पाते हैं। 25 और ये आपका 25 का जो आंसर है वो बी है, ठीक है। तो यदि किसी प्रश्न में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं वीडियो को अपलोड होने के बाद, ठीक है, उसका मैं सॉल्यूशन आपको कमेंट में बता दूंगा। और वीडियो को लाइक ना किया यार तो लाइक कर दो पहले, और ऐसे आपको टेस्ट की टाइमिंग आपको बता दिया गया वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।